जयपुर से बड़ी खबर, भांगरोटा इलाके में शंकरा रेजिडेंसी में सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस ने 5 बदमाशों को हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बदमाशों से एक पिस्टल की बरामदगी भी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने 5 बदमाशों को हिरासत में लिया जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी कहा यह जा रहा है कि बिल्डिंग से और भी बदमाशों की गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी पर सत्यनारायण शर्मा सहयोगी मेरे फोन लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा मैं सत्यनारायण का करूंगी। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अभी भी और बदमाश हो सकते हैं वहां पर छिपे हुए, और सूचना क्या मिली थी पुलिस को? देखिए, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर सर्च अभियान चलाया गया और करीबन 10 से अधिक बदमाशों को छिपे होने की सूचना मिली थी। हालांकि बता दूं आपको, एक गाड़ी पुलिस ने जरूर पकड़ी है, ये गाड़ी फर्जी बताई जा रही है और गाड़ी के अंदर देसी कट्टे और अन्य हथियार रखे हुए थे। जो नंबर है गाड़ी के, ये भी नंबर यहाँ पर फर्जी निकले। फिलहाल बता दूँ आपको कि ये गाड़ी जो पकड़ी है, इस गाड़ी के अंदर 15 से 20 जो नंबर प्लेट्स हैं वो मिली हुई है, साथ साथ अन्य जो हथियार हैं वो यहाँ मिले थे। 2 देसी कट्टे यहाँ पड़े हुए हैं, बोरियाँ यहाँ पड़ी हुई है, इनके अंदर कुछ मसाला संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। करीबन 120 फ्लैटों की पुलिस ने चेकिंग करी है। चेकिंग करने के बाद के अंदर जिंदा कारतूस इतने मिला है और करीबन 120 फ्लैटों की यहाँ पर चेकिंग की और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। बता दूँ आपको, 5 जो यहाँ से युवक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और 2 युवक अलग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि एक बड़ा गिरोह जो कि दिल्ली या हरियाणा का हो सकता है वो यहाँ पर आया हुआ था, वारदात को अंजाम दे सकते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच गई और जो वारदात होने से पहले ही इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सत्य, इनका मकसद क्या था? पुलिस के अधिकारियों से जो आला अफसर वहाँ पर मौजूद है उनसे आपकी बातचीत हो पाई है, क्या इनका मकसद था? और जो 5 बदमाशों को दबोचा गया है उनसे पूछताछ हो पाई है, उन्होंने कोई जानकारी दी? बिल्कुल, जो हमने उनसे पूछताछ करने की बात करी तो उनका साफ कहना था कि बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश जयपुर आए हुए थे, इनके पास में भारी मात्रा के अंदर हथियार भी मिले हैं। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी कहाँ की है पता नहीं, लेकिन इसके अंदर जो सामान है आप देखते हैं, इसके अंदर जो सामान है किसी गाड़ी को चुराने के लिए, एक बड़ा रोड पड़ी हुई है किसी को मारने के लिए, शराब की बोतलें इसके अंदर रखी हुई है। तो कहा जा रहा है कि एक बड़ी वारदात हो सकती थी, लेकिन बगरू थाना पुलिस ने इससे पहले ही जो बदमाश थे इनके मनसूबों पर पानी फेर दिया। हालाँकि ये अलग बात है कि इस बिल्डिंग के अंदर कब से ये बदमाश रह रहे थे खुद बिल्डिंग वालों को पता नहीं है। ये देख सकते हैं जिस प्रकार से इसके अंदर नंबर प्लेट्स मिली है, नकली नंबर प्लेट, एक ही नहीं बल्कि 5 से अधिक ये नंबर प्लेट यहाँ पर मिली है। तो कहा जा सकता है कि बदमाश यहाँ पर थे, लेकिन जो बदमाश वारदात करते उस वारदात से पहले ही पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल पूरी बिल्डिंग के अंदर सर्च अभियान जारी है और लोग भी जो यहाँ पर रहते हैं वो इस बात को लेकर आश्चर्य तक नहीं कहा तो क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, उनको इस बात की जानकारी नहीं मिली। करीबन 2 घंटे पहले से पुलिस ने ये सर्च अभियान शुरू किया था। फिलहाल सर्च अभियान जारी है और भी बदमाशों के गिरफ्तार होने की संभावना है। खुशबू, चलिए सत्य, और इसी के साथ ही क्या इनकी गतिविधियां थी जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनकी गतिविधियां क्या थी और क्या अभी भी हो सकता है कि बिल्डिंग में छुपे हो बदमाश? बिल्कुल, 10 से अधिक जो बदमाश हैं उनके छुपे होने की संभावना यहाँ जताई गई थी। ई ब्लॉक, करीबन 12 मंजिला पूरे फ्लैट्स बने हुए यहाँ पर, और इस करीबन 2 महीने पहले भी यहीं से 10 बदमाश गिरफ्तार किए गए थे। वो ये बदमाश थे जो व्यक्ति का अपहरण करते हैं, अपहरण करने के बाद में उनके जो परिवार है उससे एक्सट्रोशन करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, और यही सूचना पुलिस को मिली थी कि एक बड़ी मात्रा के अंदर, बड़ी संख्या के अंदर बदमाश यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी इरादा यह था कि वारदात को अंजाम देते, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई और करीबन 2 घंटे पहले पुलिस मौके पर पहुँच गई और दबिश मार दी। फिलहाल सर्च अभियान जारी है, हर रूम के अंदर पुलिस मौजूद है और कोशिश करिए कि अगर कुछ छिपा हुआ हो यहाँ पर तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सत्य, कितने देर से छापेमार कार्रवाई वहां पर चल रही है, कितने देर से पुलिस के आला अफसर वहां पर मौजूद हैं और फिर अभी कितने देर तक ये अभियान वहां पर चलेगा? देरी क्यों हो रही है, क्या पुलिस की टीम वहां पर कम है या फिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों इतना वक्त लग रहा है? देखिए, बता दूं आपको, 12 से 13 मंजिला ये पूरा बिल्डिंग है, इसके अंदर साथ साथ हर फ्लैट के ऊपर करीबन 70 से अधिक यहाँ पर फ्लैट है एक मंजिल के ऊपर, तो हर फ्लैट को खंगाला जा रहा है, हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। यहाँ पर किराएदार भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनके किराए पर ये मकान लिए हुए हैं और कोई मकान मालिक यहाँ पर नहीं है, ऐसे में तस्दीक की जा रही है, उनके परिचय पत्र देखे जा रहे हैं जिससे कि उनका पता लग सके अगर ये कौन है। जो 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं वो बदमाश है, हरियाणा की गैंग के, ये बताया जा रहा है। बड़ी मात्रा के अंदर उनसे हथियार बरामद हुए हैं,
में जयपुर शहर में क्या करने आए थे, वो उनसे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल पुलिस अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गाड़ी पकड़ी है पुलिस ने, ये गाड़ी भी जयपुर की नहीं है, नंबर प्लेटें बहुत सारी मिली है, अंदर हथियार मिले हैं, तो माना जा रहा है कहीं ना कहीं बड़ी वारदात जयपुर में हो सकती थी। लेकिन उससे पहले ही जयपुर शहर की पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा होने से पहले रोक दिया, वारदात होने से पहले वारदात को रोक दिया और जो बदमाश है उनको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल। और सत्य, क्या जो पांच बदमाश हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से वो आए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई हो? और बिल्डिंग के आसपास और बिल्डिंग में और भी रहते हैं लोग, उनसे पूछताछ हो पाई, उन्होंने कुछ जानकारी दी इनके बारे में? देखिए, पूछताछ अभी जारी है, जो बदमाश है हालांकि वो थाने ले जाया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से आए थे और उनका मकसद क्या था, हथियार वो कहाँ से लेकर आए थे, उनकी जो गाड़ी है ये गाड़ी किसकी है, इन तमाम जो तमाम पर्सन हैं उनका खुलासा बाद में होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जयपुर शहर के अंदर एक बड़ी वारदात के इरादे से बदमाश यहाँ पर रुके हुए थे। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है कि बदमाश कब से यहाँ रुके हुए थे और उनका मकसद क्या था। बिल्कुल, बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इनका मकसद क्या था। हालांकि पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है और आशंका यह है कि बिल्डिंग में अभी और भी बदमाश हो सकते हैं छिपे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्य, तमाम जानकारी के लिए अपडेट।